not 40, it's showing diameter, but you want to take radius. So double click, going to modify and click here to take radius, not 20, 10 radius. So it can show you radius or diameter, whatever you want. Okay. सो हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट को डायमेंशनल कंस्ट्रेंट डिफाइन कर अप्लाई करते हैं या डायमेंशन अप्लाई करते हैं तो हमारे ऑब्जेक्ट के साथ में दो टाइप के कंस्ट्रेंट चलते हैं. फर्स्ट सेल्फ सेल्फ डायमेंशन या कंस्ट्रेंट विद इन सेल्फ एंड सेकंड इज विद रेफरेंस. यू कैन सी हियर दिस पॉइंट इज द ओरिजिन पॉइंट ऑफ द ड्रॉइंग. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. आप कुछ भी अगर ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, मेरे पास कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, मैं ऑब्जेक्ट का साइज चेंज कर सकता हूं, मैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास में अभी कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है. मैं ऑब्जेक्ट को एक कंस्ट्रेंट देता हूं यहां पर, लेट्स से 10 रेडियस. ये डायमेंशनल कंस्ट्रेंट दिया, सेल्फ कंस्ट्रेंट मींस नाउ आई कैन नॉट चेंज द साइज. साइज तो मैंने कंट्रोल कर दिया लेकिन पोजीशन कंट्रोल नहीं किया. पोजीशन कैन बी चेंज, लुक हियर, पोजीशन मैं चेंज कर सकता हूं, साइज चेंज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने साइज को कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, पोजीशन को कंस्ट्रेंट नहीं दिया है. जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फुल्ली डिफाइंड कंस्ट्रेंट बनाते हैं, उसको फुली डिफाइंड करते हैं, उस केस में हमने किसी भी ऑब्जेक्ट का सेल्फ कंस्ट्रेंट और पोजीशन कंस्ट्रेंट्स दोनों को डिफाइन करना होता है. ऋतिक रोशन जी, आपका कमेंट पढ़ लिया मैंने, आप मुझे एक मिनट दें, अभी मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं, मैं अभी ड्रॉइंग्स में नहीं पहुंचा हूं, प्लीज हैव स्मॉल पेशेंस. कि हमने पोजीशन को सेट नहीं किया है, सो वी हैव टू अप्लाई अगेन अगेन कंस्ट्रेंट्स विद अ रेफरेंस. आई कैन गो हियर अगेन एंड अप्लाई, क्लिक सेंटर पॉइंट ऑफ रेडियस सर्कल एंड क्लिक ओरिजिन ऑफ द ड्रॉइंग और एक्सिस, अप्लाई द डायमेंशन. मैं चाहता हूं कि मैं इस सर्कल को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन अप्लाई करूं, लेकिन मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं एंगुलर डायमेंशन अप्लाई कर रहा हूं, बट मैं नहीं चाहता. तो उस केस में आप एक काम कर सकते हैं, क्लिक ऑन कंस्ट्रेंट, क्लिक पॉइंट एंड क्लिक एक्सिस, क्लिक ऑन द एक्सिस हियर, सो यू विल हैव ओनली हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, देयर इज नो वर्टिकल डायमेंशन. अगर आपने वर्टिकल के साथ लेना है, अगेन रिपीट सेम मेथड, क्लिक ऑन द पॉइंट एंड क्लिक ऑन द एक्सिस. अगर कभी ऐसा होता है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट डायमेंशन लेनी है और वो डायमेंशन आपको डायरेक्ट डायमेंशन शो होती है लेकिन आपने हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायमेंशन को यूज करना है, देन राइट क्लिक हॉरिजॉन्टल मेजर डायरेक्शन और राइट क्लिक वर्टिकल मेजर डायरेक्शन. आप यहां से चेंज कर सकते हैं, राइट क्लिक हॉरिजॉन्टल, राइट क्लिक वर्टिकल. आपका डायमेंशन यहां पर शो होता है, आपने पोजीशन चेंज करनी है, क्लिक हियर मूव इट अप एंड डाउन. आपने डायमेंशन की पोजीशन चेंज करनी है, क्लिक हियर एरो, क्लिक ऑन एरो, मूव इट लेफ्ट एंड राइट. अगर आपने डायमेंशन का साइज चेंज करना है, डबल क्लिक हियर 40. अब मैं देख सकता हूं मैं सर्कल को अप एंड डाउन मूव नहीं कर सकता, मैं केवल लेफ्ट एंड राइट मूव कर सकता हूं. क्यों? क्योंकि जो वर्टिकल कंस्ट्रेंट, जो वर्टिकल डायमेंशन डायरेक्शन है, उसको मैंने वर्टिकल डायमेंशन से कंट्रोल किया हुआ है. मैं फिर से अप्लाई करता हूं, क्लिक पॉइंट, क्लिक हियर एंड राइट क्लिक हॉरिजॉन्टल 50. आपने कुछ नोटिस किया? अभी व्हाइट कलर था, अब ग्रीन कलर शो हो रहा है.
आपको जब भी ऑब्जेक्ट का ग्रीन कलर शो होगा दैट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज फुल्ली डिफाइंड, यू हैव डिफाइंड फुल्ली कंस्ट्रेंट्स। हम कंस्ट्रेंट्स कैसे अप्लाई करते हैं, कौन सा अप्लाई करना है, ज्योमेट्रिक अप्लाई करना है, डायमेंशनल अप्लाई करना है, इट इज डिपेंड ऑन द ड्रॉइंग, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। मैं कह सकता हूँ मैंने यहाँ पर इस सर्कल को डिफाइन करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल कंस्ट्रेंट अप्लाई किया था। मैं इसको अप्लाई नहीं करता, डिलीट करता हूँ, डिलीट एंड डिलीट हियर। मैं क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट माई वन पॉइंट ओरिजिन पॉइंट, सेलेक्ट माई सेंटर पॉइंट, देन क्लिक ऑन ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट्स एंड क्लिक ऑन कोइंसिडेंस। That means now object has fully defined. Object cannot move. Object get the position. Object get the size. It is okay. आप थोड़ा सा suggestion दें मुझे chat box के अंदर। ठीक है, हम एक और example लेते हैं। Now we cannot move because it is fully defined object. Okay, I won't take one more example. I won't take a rectangle. This is my rectangle. Okay, first I want to define self dimension 30 and 20. It is okay. अभी मेरे पास ऑब्जेक्ट की मैंने दो डायमेंशन अप्लाई करनी थी। सपोज मेरे पास दो रेक्टेंगल हैं, एक रेक्टेंगल और है, अब मैंने इस रेक्टेंगल, इन दोनों रेक्टेंगल्स की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशन को डिफाइन करना है। अगर मैं क्लिक करता हूं, पहली डायमेंशन अप्लाई करता हूं, मैं फिर से क्लिक करता हूं, दूसरी डायमेंशन अप्लाई करता हूं, इट कैन टेक मोर टाइम। मैं फिर से क्लिक करता हूँ, तीसरी डायमेंशन अप्लाई करता हूँ, इट कैन टेक मोर टाइम। सो व्हाट वी विल डू, हम किसी भी टूल को अगर हमने मल्टीपल टाइम सेलेक्ट, मल्टीपल टाइम यूज़ करना है, सो उस टूल को हम डबल क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं सर्कल, मैंने सर्कल बनाना है सिर्फ एक, मैंने सर्कल ड्रॉ किया, मैं एग्जिट, आई एम एग्जिट फ्रॉम द टूल। मैं चाहता हूँ मैं मल्टीपल सर्कल बनाऊँ और मुझे टूल को बार बार सेलेक्ट ना करना पड़े, उस केस में हम क्या करेंगे, उस टूल को डबल क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। अब हम मल्टीपल सर्कल्स बना सकते हैं। आई वॉन्ट टू एग्जिट, अगेन क्लिक ऑन द टूल और प्रेस एस्केप। So same I will apply for the dimension. Double click here, apply this, apply here, apply here, apply here. You want to modify? Double click here, 40. Double click here, 30. Double click here, 20. And then double click here, 15. I can change it, exit. I want to modify anytime, always double click on the dimension text. Okay. Double click, dimension text. Okay. So I hope ye point bhi hamara clear hoga. अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को मैंने यहाँ से, मैं इसको कोइंसिडेंट भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायमेंशन भी अप्लाई कर सकता हूँ, इट विल बिकम फुल्ली कंस्ट्रेंट्स। वन मोर थिंग, मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ, जैसे एक रेक्टेंगल मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, एक और रेक्टेंगल मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। इस रेक्टेंगल को मैं यहां से डायमेंशन डिफाइन करना चाह रहा हूं, डबल क्लिक हियर, क्लिक क्लिक, ओ सॉरी, हॉरिजॉन्टल, आई कैन अप्लाई हियर,
सॉरी, इट इज ओवरराइड. अप्लाई हियर. मैं इसको भी ऐसे डिफाइन करना चाहता हूँ. क्लिक हियर एंड क्लिक हियर. हम देख पा रहे हैं जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, कोई भी ऑब्जेक्ट्स ग्रीन कलर फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि सभी ऑब्जेक्ट्स का सेल्फ डायमेंशन हम अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन रेफरेंस के साथ, ओरिजिन के साथ हम कोई भी रिलेशन अप्लाई नहीं किए हैं. ऑब्जेक्ट कैन मूव. ऑब्जेक्ट्स कैन मूव. क्लियर? अब टू डिफाइन हियर ऑल्सो. ठीक है, फिर देखते हैं. आई कैन मूव इट. डिफाइन द पोजिशन. आई कैन यूज दिस पॉइंट, लेट्स एग्जाम्पल, एंड देन दिस पॉइंट. आई कैन डिफाइन कोइंसिडेंट. ऑल कैन बी ग्रीन. इट इज नाउ फुली डिफाइंड. अदरवाइज आई कैन डिफाइन डायमेंशन.